साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, फैकल्टी इन आरएससी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। साथियों, ई लेक्चर की इस श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे एमआर 309 सब्जेक्ट फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के चैप्टर 7, यानी जो लास्ट चैप्टर है उसमें बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन के बारे में। साथियों, बिल्डिंग कोड्स यानी कोड्स का मतलब होता है नियमों का संग्रह या संहिता, और रेगुलेशन का मतलब ऐसे नियम जो कानूनी बाध्य हों। तो बिल्डिंग के बारे में इसके अंदर मैंने टॉपिक को कुछ सिलेक्टेड बिंदुओं में डिवाइड किया है। पहला है अर्ली बिल्डिंग कोड्स, यानी जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उसके अंदर हमारे क्या बिल्डिंग कोड्स थे। दूसरा है रोल ऑफ कोड इन कम्युनिटी, जो ये बिल्डिंग के बारे में जो नियम हैं इनका हमारी कम्युनिटी के लिए क्या रोल है। तीसरा, रोल ऑफ स्टैंडर्ड्स इन बिल्डिंग कोड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब मानक, तो रोल ऑफ स्टैंडर्ड्स इन बिल्डिंग कोड्स। और उसके बाद में है नेशनल बिल्डिंग कोड। साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेशनल बिल्डिंग कोड। ये आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उनमें शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछा जाता है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन बिल्डिंग कोड्स एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड इंडियन सिनेरियो। तो आइए हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। पहला है अर्ली बिल्डिंग कोड्स। ऑल थ्रू इंडियन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड देयर हैव बीन बिल्डिंग रेगुलेशंस फॉर सेफ गार्डिंग अगेंस्ट फायर एंड फायर स्प्रेड। ओवर द ईयर्स these regulations evolved into codes and standards developed by committees, public bodies responsible for community safety। साथियों, शुरू में जो आग लगती थी या फायर इंसिडेंट्स होते थे उनके बचाव के लिए कुछ बिल्डिंग रेगुलेशन बनाए गए थे। धीरे धीरे इनमें विकास हुआ और जो सोसाइटी की सेफ्टी के लिए जो कमेटीज़ होती थी या रिस्पॉन्सिबल बॉडीज होती थी उन्होंने इन नियमों का धीरे धीरे संहिताबद्ध विकास किया। साथियों, यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है, सेफ्टी इज ऑफन रेकनॉर्ड एज द अपोजिट ऑफ रिस्क, यानी सेफ्टी है वो रिस्क के अपोजिट माना गया है। जहाँ पर सेफ्टी होगी वहाँ रिस्क कम होगा, और जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ सेफ्टी कम होगी। ग्रेटर सेफ्टी मीन्स लेस रिस्क, और एट लीस्ट रिस्क शुड बी मिनिमाइज टू पीपल एंड प्रॉपर्टी। रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, रिस्क कभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है, एंड हैंस safety can never be absolute। इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो करेंगे role of code in community। A building code is a law। building code एक नियमों का एक संग्रह है that set forth minimum requirement for design and constructions of building and structures, जो कि building की design और structure के बारे में हमें बताता है। दीज मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ सोसाइटी, एंड जनरली रिप्रेजेंट ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ऑप्टिमम सेफ्टी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। फीचर्स, इसके अंदर जो फीचर्स कवर होते हैं वो हैं, फीचर्स कवर्ड इंक्लूड स्ट्रक्चर डिजाइन, फायर प्रोटेक्शन,
अग्नि रोकथाम, मीन्स ऑफ एग्रेस बाहर जाने के रास्ते, लाइट यानी प्रकाश, सैनिटेशन यानी स्वच्छता और आंतरिक सज्जा इंटीरियर फिनिश। साथियों देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कोड। जो बिल्डिंग कोड हैं वो उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, पहला स्पेसिफिकेशन कोड और दूसरा परफॉर्मेंस कोड। तो जो स्पेसिफिकेशन कोड है विच स्पेल आउट इन डिटेल व्हाट मटेरियल कैन बी यूज्ड, हाउ लार्जर और स्मॉलर द बिल्डिंग कैन बी एंड हाउ कंपोनेंट्स शुड बी असेंबल्ड। और जो परफॉर्मेंस कोड है विच डिटेल्ड द ऑब्जेक्टिव टू बी मेट एंड एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग इफ द ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड। तो ये दो तरह के बिल्डिंग कोड्स होते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, द डिजाइनर एंड बिल्डर्स आर दस अलाउड फ्रीडम इन सेलेक्टिंग कंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटेरियल्स एज लॉन्ग एज द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कैन बी मेट। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बिल्डिंग कोड्स स्टिल एम्बॉडी ए फेयर अमाउंट ऑफ स्पेसिफिकेशन टाइप रिक्वायरमेंट्स, बट द प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ अल्टरनेट मेथड्स एंड मटेरियल्स इफ दे कैन बी प्रूव्ड एज एडिक्वेट। द प्रोग्रामेशन ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग्स कोड्स बिगेन विद डिजास्टर्स फायर इंसिडेंट्स विच हैज़ टेकन प्लेस एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। यानी एक 100 साल हो गए फिर भी ये नियम कोड और रेगुलेशन के बाद में भी फिर भी डिजास्टर्स फायर डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं हम। दस इट इज़ अंडरस्टेबल दैट बिल्डिंग कोड्स एंड फायर प्रोटेक्शंस आर पार्टनर्स इन एलिवेटिंग का मतलब कमी करना द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये था रोल ऑफ कोड इन कम्युनिटी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है रोल ऑफ स्टैंडर्ड्स इन बिल्डिंग कोड्स। सेवरल ऑफ द प्रोविजंस फाउंड इन बिल्डिंग कोड्स आर बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय नेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोविजंस हैं बिल्डिंग कोड में वो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताए गए हैं। द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ द स्टैंडर्ड्स इन देयर अडोप्शन इन टू बिल्डिंग कोड्स बाई रेफरेंस बेस्ट कीपिंग द बिल्डिंग कोड्स टू ए वर्केबल साइज एंड इन एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। बिल्डिंग कोड्स एंड फायर प्रोटेक्शन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। यानी बिल्डिंग कोड्स और जो फायर प्रोटेक्शन है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विच सर्व टू एलिवेट यानी जो काम करते हैं कम करने के लिए क्या लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान है उसकी उसको कम करने के लिए काम करते हैं। द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ ए बिल्डिंग हैज़ ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इट्स फायर सेफ्टी करेक्टरिस्टिक्स। जो बिल्डिंग की आर्किटेक्चरल डिजाइन है वह फायर सेफ्टी पर एक महत्वपूर्ण इफेक्ट प्रभाव रखती है। सिमिलरली द फायर प्रोटेक्शन मेजर्स इनकॉर्पोरेट फॉर बिल्डिंग यानी जो फायर प्रोटेक्शन के उपाय हैं वो बिल्डिंग के अंदर ही उनका समावेश हो जाना चाहिए, बोथ एक्टिव एंड पैसिव एंड आल्सो प्रोवाइड रीजनेबल सेफ्टी फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ फायर। यानी जो आग लगने की जो इंसिडेंट्स होते हैं वो नहीं हों और बिल्डिंग के अंदर ऐसे उपाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम या डिजाइनिंग के समय ही कर लिए जाते हैं। अब इसके बाद में जो लास्ट है वो है जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल बिल्डिंग कोड्स। इट वाज ए सीक्वल ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1965 में जो प्लानिंग कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को ये काम सौंपा गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए नेशनल बिल्डिंग कोड टू ब्रिंग ए यूनिफॉर्मिटी इन द बिल्डिंग रेगुलेशन थ्रू आउट द कंट्री
फॉर अडोप्शन बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर कंस्ट्रक्शन एजेंसीज। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसने नेशनल बिल्डिंग कोड बनाने की कार्रवाई की और पूरे थ्रू आउट द कंट्री जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं एंड अदर कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे। इस कारण से ये इस उद्देश्य से ये काम प्लानिंग कमीशनर ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को सौंपा था। और द फर्स्ट वर्जन ऑफ एनबीसी वाज पब्लिश्ड इन 1970, यानी 5 साल के बाद जो पहला इसका वर्जन जो पब्लिश हुआ वो 1970 में हुआ। कॉन्सिक्वेंट टू द रिसीप्ट ऑफ सेवरल कमेंट्स, इसके बाद में विभिन्न प्रकार के कमेंट्स और सुझाव, यूजफुल सजेशंस फॉर मॉडिफिकेशन एंड एडिशन टू वेरियस क्लाजेज इन द कोड, ए रिवाइज वर्जन ऑफ द एंटायर एनबीसी वाज पब्लिश्ड इन 1983। और इस प्रकार विच इज़ करंटली इन वोग यूज, यानी जो अभी भी प्रचलन में है, 1983 के अंदर विभिन्न क्लाजेज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ एडिशन करके और इसको दोबारा पब्लिश किया गया, जो कि 1983 में किया गया। इसमें क्या क्या था? द एनबीसी हैज़ 10 पार्ट्स, इसमें 10 पार्ट थे, ऑफ विच पार्ट 4 डील्स विद फायर प्रोटेक्शन। जो पार्ट 4th है वो अग्नि रोकथाम के बारे में डील करता है। फायर पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी कंसिस्ट ऑफ, जो इसका पार्ट 4 है उसमें 17 सेक्शंस हैं एंड 3 अपेंडिक्सेस, यानी अपेंडिक्सेस यानी परिशिष्ट, जिनमें कुछ अलग से चीज़ें दी हुई होती हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड में ही आगे हम देखते हैं, पार्ट 4 प्रेस्क्राइब ओनली द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अचीविंग फायर एंड लाइफ सेफ्टी इन बिल्डिंग्स एंड नथिंग इन द कोड प्रोहिबिट्स बेटर टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, मोर एग्जिट्स और अदर कंडीशंस। यानी कि जो पार्ट 4 था उनमें मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट तो दी गई थी, रिक्वायरमेंट टू अचीव फायर एंड लाइफ सेफ्टी, लेकिन जो बेटर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बाहर के मोर एग्जिट्स एंड अदर अन्य कंडीशन के बारे में कुछ अलग से नहीं बताया था। ए पॉइंट वर्थ मेंशनिंग हेयर इज दैट व्हाइल असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ फायर हजार्ड्स इन ए बिल्डिंग, द नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड द एक्टिविटी परस्यूडेड बाई द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बिल्डिंग मस्ट आल्सो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। यानी जो बिल्डिंग के अंदर अगर कोई हजार्ड्स होता है तो बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या, कौन से ऑक्यूपेंट हैं वो, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इनके बारे में पार्ट 4 के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया। इसके कारण क्या हुआ? एज पर ए डिसीजन टेकन बाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिफोर लास्ट ईयर, द 10 पार्ट्स ऑफ द एनबीसी नेशनल बिल्डिंग पार्ट 4 आर अंडरगोइंग रिविजन एट प्रजेंट। तो इसमें भी जो पार्ट 4 है इसमें अभी भी संशोधन और रिविजन चल रहे हैं। इन दिस कंटेस्ट इट इज़ मैंसन्ड दैट कमेंट्री एंड हैंडबुक हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ड्राफ्ट रिविजन ऑफ एनबीसी पार्ट 4 विच वॉज सर्कुलेटेड एज वेल एज द डिसीजन टेकन इन द रिलेवेंट कमेटी मीटिंग, पार्ट 4 इज स्टिल अंडर रिविजन। यानी जो इसका पार्ट 4 है उसके अंदर अभी भी कुछ संशोधन किए जा रहे हैं और ये जब संशोधन हो जाएंगे उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।